अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे सबवे सैंडविच, बहुत ही आसानी से घर पर, बहुत ही मज़ेदार सा। और ये चिकन सैंडविच हम बनाने वाले हैं और इसकी रेसिपी बहुत इजी है, बहुत आसान तरीके से मैं आपको बनाना बताऊंगी। किसी रेस्टोरेंट और किसी भी बाज़ार में जाकर आपको खाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इसे घर पर इंजॉय कर सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने लिया है यह 250 ग्राम बोनलेस चिकन, जिसे हमने बिल्कुल बारीक पीसेस में कट कर लिया है। हाफ़ टी स्पून डालेंगे गार्लिक पाउडर, हाफ टी स्पून डालेंगे जिंजर पाउडर, 1 टी स्पून डालेंगे धनिया का पाउडर, 1/4 टी स्पून हल्दी का पाउडर डालेंगे और 1 टी स्पून डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और एक हम डालेंगे चिकन क्यूब। अगर आपके पास चिकन क्यूब ना हो, आप मैगी क्यूब भी डाल सकते हैं। और इसके बाद हम 1/4 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे और 1 टीस्पून डालेंगे ऑयल। नमक हमने कम डाला है क्योंकि जो चिकन क्यूब हमने डाला है ना, उसमें काफ़ी नमक होता है, इसलिए नमक कम डाला है। अब अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और इसके बाद इसे आधा घंटा मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट होने के बाद हम ले लेंगे एक पैन, इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून बटर और 1 टी स्पून ऑयल डालेंगे। तो ऑयल जो है ना, हमने ऑलिव ऑयल इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास ना हो तो आप जो सादा कुकिंग ऑयल जो इस्तेमाल करते हैं ना, वो भी कर सकते हैं। अब 3-4 मिनट तक हाई फ्लेम पर चिकन को अच्छे से जो है फ्राई कर लेंगे। इसके बाद जो है इसे ढक कर 10 मिनट लो फ्लेम पर अच्छे से पकने देंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं, चिकन अच्छे से हमारा पक चुका है। अब फ्लेम को हाई कर देंगे और बिल्कुल इसे ड्राई कर देंगे। जब ये बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो जाए, इसे निकाल कर दूसरे बर्तन में हम ट्रांसफ़र करेंगे। और इसके बाद इसी बर्तन में हम जो है 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये 3 कलर के हमने बेल पेपर्स लिए हैं और एक छोटी साइज़ की प्याज ली है। तो बेल पेपर्स हमने जो है आधे आधे ही लिए हैं, तो इसके बाद हमने प्याज भी छोटी सी ली है, ज़्यादा नहीं डालना है, बस आधे आधे काफ़ी है। अब इसमें 1/4 टीस्पून डालेंगे चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून डालेंगे ऑरिगैनो और 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे। बस मामूली सा हमें इसमें डालना है ताकि थोड़ा सा टेस्ट आ जाए। इसके बाद इसमें चिकन डालेंगे और 2-3 मिनट तक अच्छे से हाई फ्लेम पर इसे सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये स्टफिंग हमारी बनकर रेडी है, इसे साइड में रख देते हैं। अब यहाँ सॉस बना लेते हैं। तो 1/2 कप लिए है मायोनीज और 1 टेबल स्पून डालेंगे टमाटो केचप, 1 टी स्पून डालेंगे मस्टर्ड सॉस और 1/4 टी स्पून डालेंगे ऑरिगैनो। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसमें ना 2-3 किस्म के अलग अलग जो है सॉसेस डाले जाते हैं, लेकिन मैं एक ही सॉस बनाने वाली हूँ जिससे ये सैंडविच बहुत ही मज़े का लगेगा, बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि आपके साथ बहुत इजी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिससे आपको जो है बनाने में भी आसानी होगी और खाने में भी ये लाजवाब लगेगा। तो ये हमने ब्रेड लिया है, इसे जो है हमने इस तरह से बीच में से कट कर लिया है। अगर आपके पास ये ब्रेड ना हो तो आप सादे ब्रेड्स में भी इसे बना सकते हैं या बर्गर ब्रेड में भी इसे आप बना सकते हैं, ये काफ़ी मज़े का लगता है। अब जो है जो सॉस था ना, उसे हमने पाइपिंग बैग में भरकर इस तरह से इस पर लगा दिया है। इसके बाद जो स्टफिंग भरी थी, बनाई थी, वो स्टफिंग हम इस पर अच्छे से रख देंगे और इसके बाद फिर से हम थोड़ा सा जो सॉस हमने बनाया ना, वो सॉस इस पर डाल देंगे। आप स्टफिंग आपके मर्ज़ी के हिसाब से चाहे जितनी डाल सकते हैं। तो देखिए, ये इस तरह से हमने इस पर सॉस लगा दिया। अब ये हमारा सबवे सैंडविच बनकर रेडी है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त और मज़े का बना है। तो बहुत ही आसान सी इजी सी रेसिपी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो इंशाल्लाह आपको पसंद आई होगी रेसिपी। आप इसे घर में आराम से इंजॉय कर सकते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। तो अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप भी बनाएं, खाएं, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।